गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था बेटा, एसेट बेस के अपन ने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था बेटा। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, यूजेस के बारे में। कि एसेट का यूज कहाँ होता है, बेसिस का क्या यूजेस है, इनके किस प्रकार यूज किया जाता है, इनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, देयर आर एक्सटेंसिव यूज ऑफ एसेट बेस एंड सॉल्ट इन डेली लाइफ। में अपन क्या करते हैं बेटा, रोजाना की जो जिंदगी है उसमें अपन एसेट बेस का क्या करते हैं, अच्छी मात्रा में क्या करते हैं बेटा, यूज करने का काम करते हैं। H2SO4, HCl, HNO3 are also known as mineral acid। यानी कि अपने कौन कौन से बेटा, H2SO4, HCl, HNO3 तीनों ही किस एसिड के नाम से जाने जाते हैं बेटा। इन तीनों को अपन कहते हैं बेटा मिनरल एसिड। कौन से एसिड बेटा, मिनरल एसिड। कौन से एसिड कहेंगे बेटा इनको अपन, मिनरल एसिड कहने का काम करेंगे। हाउएवर द एसिड फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यानी ऐसे एसिड जो क्या होते हैं बेटा, प्लांट से, पौधों से और एनिमल से, इन तीनों से, इन दोनों से क्या हो, प्राप्त हो, उनको अपन कौन सा और कौन सा एसिड कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड फाउंड इन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड होंगे बेटा, ये ऑर्गेनिक एसिड होंगे। यानी ऐसे एसिड जो क्या होता है बेटा, प्लांटों से और एनिमल से प्राप्त होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मतलब नेचुरली जो अपन को चीजें एसिड प्राप्त होते हैं वो कौन से एसिड कहेंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। एसिड जैसा एग्जाम्पल आता है, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, टार्टिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है बेटा, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। ये सब कैसा है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड आर यूज इन मेडिसिन। मिनरल एसिड का अपन क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं इसको बेटा, मेडिसिन में यूज होता है, पेंट बनाने में यूज होता है, फर्टिलाइजर में क्या होता है इनका यूज होता है, और कई प्रकार की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका, मिनरल एसिड का। तो मिनरल एसिड का अपन तीन तीन चीजों में यूज करता है, मेडिसिन बनाने में, सुन बेटा, मेडिसिन बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है बेटा, और फर्टिलाइजर्स, इनमें क्या किया जाता है बेटा, इनका यूज किया जाता है। कौन सा एसिड बेटा, मिनरल एसिड, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर्स, सिंक एंड सैनिटरी इन मेनी इंडस्ट्री। यानी अपने कौन सा आता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे अपन बोलते हैं तेजाब, क्या बोलते हैं उसे, तेजाब, तो वही है। एसिड का यूज कहां किया जाता है बेटा, सैनिटरी को साफ करने में, सिंक को साफ करने में अपन इसका यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग बोलते होंगे आर्पेक्ट साफ करने के लिए होता कौन है, एसिड उसके अंदर होता है, ठीक है बेटा। नाइट्रिक एसिड इज ऑल यूज टू मेक फर्टिलाइजर एंड ट्रेनिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कलरिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बेटा इसका यूज किया जाता है इसके अंदर बेटा, एक तो अपने गोल्ड और एक सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर इन ज्वेलरीज को क्या करने में, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज है इनको साफ करने में क्या किया जाता है, क्लीन करने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इससे बेटा, नाइट्रिक एसिड का। इसमें यूज किया जाता है बेटा नाइट्रिक एसिड का यूज गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज को साफ करने में किया जाता है। इसको काली पड़ जाती है ना गोल्ड सिल्वर, गोल्ड थोड़ा बहुत काला हो जाता है, काला पड़ जाता है ज्यादा पानी में यूज होने के कारण, तो उनको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, पर नाइट्रिक एसिड मतलब एचएनओ3 का क्या करते हैं बेटा, यूज में लेते हैं, ठीक है बेटा। आगे वन पार्ट एचएनओ3 एंड थ्री पार्ट ऑफ एचसीएल ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एक्टिव जरिया। एक ये चीज याद रखना कि एक्टिव जरिया कैसे बनाया जाता है, हाउ टू फॉर्म एक्टिव जरिया बेटा, कैसे बनाया जाएगा एक्टिव जरिया बनाने की फॉर्मूलेशन क्या है, कि आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर वन पार्ट किसका लेना है, एचएनओ3 का, ठीक है, एचएनओ3 और एचसीएल, यानी दोनों का रेशियो किस हिसाब से होगा, कि एचएनओ3 का तो वन पार्ट होगा और एसिड का कितना पार्ट होगा बेटा, थ्री पार्ट होगा। मतलब अगर आपको एक्टिव जरिया बनाना है तो उस कंडीशन में एचएनओ3 का कितना पार्ट होना चाहिए बेटा, वन पार्ट, और एसिड का कितना पार्ट होना चाहिए बेटा, थर्ड पार्ट होना चाहिए। यानी कि मान लो सपोज में जैसे चार एमएल बनेगा तो उसमें 1 ml क्या होना चाहिए एचएनओ3, और 3 ml क्या होगा बेटा उसके अंदर,
होती है। तो गोल्ड मेटल मेटल डिसॉल्व इन एक्वा सॉलिया, ठीक है बेटा। आगे सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द कैसल कारपेंटरियल सर्वल इंडस्ट्री। अपने आपका ठीक है बेटा। और सीमेंट बनाने में किसका यूज होता है, पूछा जाए सीमेंट बनाने
किया जाता है। विभिन्न स्टडी का फर्दर अमाउंट यूज यूज वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखते रहिए बेटा, ज्यादा हमें बताने वाला हूँ, कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको याद रखिएगा। अपने इम्पोर्टेंट चीज क्या है क्वेश्चन में, एक आता है अपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कौन है इसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, इसको कहते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज किया जाता है एंड एक्सप्लोसिव एंड एलम। ठीक है बेटा, एक्सप्लोसिव यानी कि अगर कोई बम बनाने विस्फोटक पदार्थ बना रहा है तो उससे यूज किया जाता है, AgNO3 का यूज किया जाता है। एक आता है एलम, जानते हो एलम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन लो, फिटकर ही कहते हैं इसको एलम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4.Al2SO4 का बारे में। ओके, गुड लक, थैंक यू।